गाइस, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे लुबेर पांडू करके मैंने एक फिल्म देखा कल रात हिंदी में, शायद लुबेर पांडू, इसका मैं प्रोनाउंसेशन गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ पता नहीं, पर ये पोस्टर है, आप देख लेना डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जा करके। इतनी मजेदार फिल्म मेरे भाई, इतना खास लगा मेरे को, क्या ही मैं आपको बताऊं। ठीक है, पूरा एकदम सुपर, हर एक चीज, हर एक सीन, हर एक कैरेक्टर को आप जियोगे, जियोगे आप, ठीक है ना, पूरा मैं खुद हूं इस फिल्म में, आपको ऐसा लगेगा। फिल्म में जो लव स्टोरी दिखाया जा रहा है, जिस तरह से शुरू होती है, जो कुछ भी हो रहे है, जो फोन में बात करना, वो सारी चीजें, जो गांव की लव स्टोरी दिखाई जाती है, आप अगर गांव से बिलोंग करते हो ना, आप जियोगे कि यस यार, मेरी लव लाइफ में भी ऐसा होता है। फिल्म में जो क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, एक्चुअली क्रिकेट मैच को लेकर के ही फिल्म है, उसको ज्यादातर दिखाया गया है, तो जो क्रिकेट मैच हो रहा है, गांव के क्रिकेट मैच, उसको देख करके आप फील करोगे कि यार मैं भी ऐसा ही खेलता हूँ, हमारे गांव में भी ऐसी ऐसी चीजों को लेकर के झगड़ा भी होता है, कोई मार दिया, चिढ़ा दिया, ये सारी चीजें जो कुछ भी हो रहा है, पूरा का पूरा आप जियोगे कि यार मेरी गांव में ये फिल्म हो रही है, मतलब ये फिल्म नहीं है, मैं अपनी लाइफ को खुद देख रहा हूँ, आपको ऐसा फील होगा। ठीक है, और एक एक इमोशन को इतनी बारीकी से प्रेजेंट किया गया है यार, मैं क्या बताऊं, सुपर ऑसम फिल्म यार, ऑसम फिल्म, ठीक है ना, इतना अच्छा लगा मेरे को, बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, अगर कहानी की बात करें, यहाँ पे दो ससुर दामाद की फिल्म है एक्चुअली, ठीक है, और दोनों के दोनों क्रिकेटर हैं, दोनों के दोनों क्रिकेटर हैं, जो ससुर जो है ना, वो बेस्ट बैट्समैन है, वो अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, एकदम खतरनाक, पहला बॉल जो है वो भगवान को चढ़ाएंगे, चाहे वो फुल टच मार लो जो भी हो, लेकिन उसके बाद भाई चौके 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 चौके, पूरा खतरनाक क्रिकेट होता है उनका, खतरनाक बल्लेबाज होता है उनका, और दामाद जो है वो डेंजर बॉलर है भाई, उसकी बॉल टच करना एकदम कड़क है, और बहुत ही डेंजर बॉलर, मतलब दामाद जो है ना खतरनाक बॉलर हो गया, और ससुर जो है ना वो खतरनाक बैट्समैन हो गया। ठीक है, तो दोनों का झगड़ा तो होना बनता है, आप लोगों को पता है, तो बॉलर दामाद जो है ससुर को आउट कर देता है, तो ये सारी चीजों को लेकर के होती है। उसके बाद जो लव स्टोरी दिखाया जाता है दोनों ससुर दामाद का, जो लव स्टोरी दिखाया जाता है, जो रिलेशन वगैरह को लेकर के जो इमोशन खेला जाता है, और दोनों का फिर मिलाप कैसे होगा, क्या होगा, फिल्म को इतना घुमाया जाता है ना मेरे भाई, आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, एक एक इमोशन को इतना बारीकी से दिखाया गया है। यहाँ पे सास और मतलब बहू की एक इमोशन वाला सीन है यहाँ पे, जिस तरह से जो वर्डिंग के साथ जो डायलॉग डिलीवरी या जो परफॉर्मेंस वहां पे देखने को मिलता है, आप लिटरली रो पड़ोगे। ठीक है, एक एक इमोशन, लव स्टोरी क्या होता है, प्यार कैसे साथ देते हैं, ओके, ये सारी चीजें अच्छी तरह से दिखाया जाता है। ऊपर से फिल्म में नेपोटिज्म और टैलेंट को भी जगह मिला है, ठीक है, कि भाई ये मेरा भाई है, मैं इसको खिलाऊंगा, ठीक है, और ये इसका टैलेंट है, लेकिन ये मेरा भाई नहीं है, मेरे गांव के नहीं है, इसको भगा दूंगा, तो वो चीज को लेकर के भी फिल्म है, बहुत सारी चीजों को भी लपेटा गया है, मतलब क्या नहीं है। आप देखोगे, फिल्म का ड्यूरेशन 2 घंटे सम मिनट्स है, ठीक है, आप जरा भी उधर उधर नहीं होगे, आप पूरा का पूरा इमोशनली होकर के फिल्म को देखोगे, इतना मजेदार लगेगा आपको। ठीक है, बीजीएम बहुत कमाल के, एक्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, सभी का बहुत अच्छा लगा, जो कॉमेडी पंचेस है इसमें, जो कॉमेडी वगैरह जो हो रहा है इसमें, वो भी बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ है, एक डायलॉग हो रहा है वहाँ पे, एक सीन पे बहुत कमाल का लगा मुझे, कि हम जो कहते हैं ना, अरे भाई तू मेरे भाई जैसा है, ठीक है ना, तो वो चीज़ भी गलत कैसे है वो भी बताए, कि भाई जैसे का मतलब क्या है, भाई जैसे बोल करके तुम अवॉइड कर देते हो, बोलो तो पूरा भाई बोलो, या फिर अवॉइड करो, छोड़ दो, नहीं तो अपनाओ, ये बीच का क्या, कि हम तू मेरा भाई जैसा है, ठीक है ना, वो सीन को लेकर के, मतलब वो चीज को लेकर के जिस तरह का सीन क्रिएट किया गया है, आप इमोशनली जुड़ जाओगे वहां पे, ये पते की बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो बहुत ही कमाल की फिल्म है मेरे भाई, इसका क्लाइमेक्स आप देखोगे बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ सुपर है। अगर नेगेटिव लगा, एज यूजुअल ऐसी फिल्मों का जो मेरा नेगेटिव रहता है वो ही, कि भाई जो सॉन्ग वगैरह जो होता है ना इस फिल्म का, इमोशनल सॉन्ग हो गया, सॉन्ग वगैरह, उसको जो हिंदी डब किया जाता है ना, हिंदी डब किया जाता है, ये भाई जैसा वाला सीन हो जाता है वहां पे, कि अगर यार करो तो सही से करो, अच्छे अच्छे सिंगर को ला करके, अच्छी वर्डिंग के साथ पूरा करो, कि गाना सुनने जैसा लगे कम से कम, है
आप हिंदी में कर देते हो और गाने का पूरा गोड़ गोबर कर देते हो। अगर नहीं करना है तो तमिल में ही छोड़ दो, उसके ओरिजिनल लैंग्वेज में ही छोड़ दो, हमें इमोशनल फील होगा। वो जो सॉन्ग होता है एक लव स्टोरी वाला सॉन्ग है, चलो आप थोड़ा सा एंजॉय कर ही लोगे, मस्ती मजाक वाला सॉन्ग है, लेकिन एक इमोशनल सॉन्ग है इसमें, एक इमोशनल सॉन्ग है। जब फिल्म की ट्रेजेडी शुरू हो जाती है, ठीक है, ससुर जो है अपनी अपनी पत्नी से और दामाद जो है अपनी पत्नी से, अपनी लवर से, मतलब ये लोग जब बिछड़ जाते हैं, ठीक है, उससे बीच एक इमोशनल सॉन्ग है, ऐसा लिरिक है यार, इतना इमोशनल सीन, मैं वो सिचुएशन को देख करके मतलब इमोशनल हो रहा था, मैं दुखी था, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सॉन्ग मुझे इतना इरिटेट लगा कि मैंने फॉरवर्ड कर दिया। क्यों डॉफ कर रहे हो भाई, तमिल में रखो ना। जब ससुर बल्लेबाजी कर रहा है, मार रहा है, तो वहां पे तो आप तमिल गाना बजा रहे हो, उसको तो हिंदी नहीं कर रहे हो, तो इसको भी कर देते, ठीक है। तो वो जो जबरदस्ती जो ओरिजिनल सॉन्ग को हिंदी करने की जो ये लोग कोशिश करते हैं ना, एक कहीं से उठा करके ले आते हैं किसी एक सिंगर को, कहाँ कहाँ का लिरिक ले आते हैं और वर्डिंग कर देते हैं और पूरा का पूरा गाने का जो गुड़गोबर करते हैं, वो मुझे बहुत बुरा लगता है भाई ऐसी फिल्मों का। वो जो मियां जगन फिल्म आया था ना, कार्तिक कार्तिका और ये अरविंद स्वामी का, वहां पे भी वैसा वाला काम करें, ठीक है। अगर आप लोगों को लिरिक लाने की अगर जरूरत नहीं पड़ रही, आपको इसको हल्के में ले रहे हो, तो ओरिजिनल ही छोड़ दो, कोई बात नहीं। हम फिल्म को देख रहे हैं, फिल्म की सिचुएशन को समझ रहे हैं, आप गाना बजाओगे तभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसका दिल टूटा है, इसका क्या हुआ है, हमें ओरिजिनल लैंग्वेज में भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिल्म देख करके हम सिचुएशन को ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा क्यों करते हैं एक्चुअली, ठीक है ना, ये बहुत बुरी चीज है। मैंने फॉरवर्ड कर लिया उसे, ठीक है। तो गाइस मेरा फुल रिकमेंड रहेगा, आप जा करके ये जो लुबर लुबेर पांडू मेरे ख्याल से फिल्म का नाम जो है, ओके, इसको आप जा करके देखो डिज्नी प्लस स्टार में, आपका दिल खुश ना हो गया तो बताना भाई, भाई बहुत ही कमाल की फिल्म है, एकदम ऑसम मूवी। मेरी तरफ से इस फिल्म को 4.5 स्टार आउट ऑफ 5, एकदम कमाल की फिल्म, हाफ स्टार बस वो गाने के लिए काटूंगा।